हेलो गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गई, बिकॉज क्या कहते हैं, रात को थोड़ा सोने में देर हो गई थी, तो सुबह उठने में भी देर हो गई। और अभी ऐसी आदत भी नहीं है ना कि सुबह सुबह उठ के पहले ब्लॉग स्टार्ट करो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और मैं छत में जा रही थी, पर मैंने देखा चाची फ्रूट चाट बना रही है, तो पहले फ्रूट चाट खाते हैं, वो ही लेके जाऊँगी। छत में धूप अच्छी आ रही है ना, तो फिर वही खाएंगे। हरी चटनी नहीं है क्या चाची? नहीं, तो हरी चटनी डालो यार। अरे मेरे पास दुपट्टा नहीं है। खाना नहीं बना रहे आप दिन का? नहीं, आज यही है फ्रूट चाट। ये क्या बात हुई भाई, क्योंकि हमने नाश्ता थोड़ा हैवी किया था। क्या हैवी किया था? 3-4 पराठों के साथ, तो फ्रूट्स काफी सारे पड़े हुए हैं। या तो फ्रूट्स खाओ या खाना खाओ, इसीलिए फ्रूट चाट। चलो यही दे दो, तो मैं फिर जा रही हूँ छत में, आप लेके आ जाना, ठीक है? सृष्टि ऑलरेडी बैठी है, तो बब्बू यहाँ पे कपड़े सुखा रही है। जगह बड़ी कोने में मिली, यहाँ तो पूरी लाइन लग रखी है कपड़ों की। भाई साहब यहाँ सूख रहे हैं गेहूँ। तो मैं अभी छत पे आ गई हूँ और कपड़े वपड़े फैला रही है मैंने, और ना बहुत धूप हो रही है, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ, इसके पीछे बैठी हुई है। और मैंने मूंगफली भी लेके आई थी, पर शायद मैंने चाची वाले फ्लोर पर ही छोड़ दी, वो पता नहीं कहाँ चलेगी, मतलब भूल गई रख के भूल गई कहीं पे, कहाँ पे। और मुझे सबको थैंक यू बोलना था, क्योंकि जब हम ये वीडियो अभी शूट कर रहे हैं तो हमारे 15 के पूरे हो गए हैं। तो थैंक यू दिल से, सच में हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे 15 के हो जाएंगे। चाची भी आ गई है चाट लेके, और चाची ने बोला हम दोनों का है। सत्यो ने भाई कितना सारा मक्खन खा रही है, मेरे को बोलती है मक्खन चीज है, चीज हे भगवान। मैंने उस दिन एक मक्खन खाया था जो भरते के साथ, पूरे पूरे पराठे में ना, मैंने सुबह नहीं खाया। और ये मुझे बोल रहे थे तू कितना ऑयली खाती है, कितना फैट खाती है, ये वो, और खुद देखो कितनी सारी चीज है, देखो कितने सारे फ्रूट। हाँ, तो चीज वो नहीं देख रही कि चीज कितनी सारी है, फ्रूट्स क्यों नहीं देख रही, तो चीज देख रही है, फ्रूट्स देख रही हूँ ना। वाह वाह वाह, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे 15 के हो जाएंगे। तो दिल से आप सब लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू, मतलब काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। इसीलिए हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हम साथ के साथ जो भी हमारा डेली कोर है, जो भी हम करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, हम वीडियो भी बनाए, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देख के। मेन बात होती है काफी लोग ना, मतलब कमेंट में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस भी देते हैं, जैसे कि आप अपने वीडियो की लेंथ लंबी रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, और आप ये कर सकते हो वो करते हो, तो वो देख के ना मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग मतलब सच में बहुत अच्छे से हमारा वीडियो देखते हैं, तभी वो लोग सजेस्ट भी करते हैं। एवं ऊपर ऊपर से देखते तो शायद इतना सजेस्ट नहीं करते। तो सृष्टि के लिए भी काफ़ी कॉमेंट्स आते हैं कि सृष्टि बहुत फनी है, ये ऐसी है, घर पर भी ऐसी ही है, मतलब इसकी शक्ल ही ऐसी है। शाउट आउट के लिए भी काफ़ी लोग बोलते हैं, पर शाउट आउट क्या हम दे यार, मतलब हाँ एक अनुराग तिवारी है, उन्होंने बोला था मेरा नाम लेना ब्लॉग में, तो मुझे अभी जस्ट याद आया, तो वो पहले से ही कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि आपके इतने के हो जाएंगे, तो अनुराग तिवारी जी थैंक यू। काफ़ी कमेंट आते कि डेली ब्लॉगिंग करो। हाँ, डेली ब्लॉगिंग के भी कमेंट्स आ रहे थे, तो यार डेली ब्लॉगिंग अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम कुछ कुछ काम में बिजी रहते हैं, कुछ कुछ काम और भी करते हैं साथ में, तो नहीं हो पाता है। बट हाँ, अगर देखो अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा, तो शायद हम आगे डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए अभी थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। जो भी हमें कमेंट्स आते हैं ना, मोस्टली वो सब पॉजिटिव ही होते हैं, सब बहुत अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, बट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं वो बहुत तो, मतलब क्रिटिसाइजिंग भी नहीं होते, बट वो ऐसे ही मतलब कुछ भी कमेंट कर देते हैं लोग, तो वो देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं वो सब देख के, बट अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मेरे को नाम तो नहीं याद, बट किसी ने ऐसा कमेंट किया था कि हम मतलब हम आपके डेली लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ कमेंट किया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी यार कि अगर आप नहीं हो इंटरेस्टेड तो मत देखो ना, मत देखो, हमने थोड़ी ना बोला है कि देखो, और फिर आप देख भी रहे हो और आप कमेंट भी कर रहे हो, विच मीन्स यू हैव टाइम। तो ऐसी जब चीज़ों पे वैसे तो ध्यान नहीं जाना चाहिए, बस हम यही एक चीज़ हमने सीखी है कि लोग तो आपको डीमोटिवेट करेंगे, और अगर आप डीमोटिवेशंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे आप लोग भी है हमें देख रहे हैं, तो आप कुछ भी काम करते हैं ना, तो बस बिंदास होकर अपने मन से, अपनी पूरी लगन से वो करो, और जो कोई भी कुछ बोल रहा है कि ये है वो है, तो बस उसे इग्नोर करो, बिकॉज आप इग्नोर करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर आप सबकी सुन के और फिर सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस यही कहना था, अभी हमारा फ्रूट चाट आ गया है और हम फ्रूट चाट खाते हैं। मैं ले आई है मुझे का। हाँ क्या है ये जो ऐसे घुसा रही है, चम्मच है, चम्मच की तरह उठाओ भाई, चम्मच चीज वाली है ये,
तो क्या हो गया? मुझे फोक चाहिए, तुम तो चीज खाई भी है। चाटी भी है रहने। छी। आ, मेरे, वो भी मैंने चाटी भी उंगली से खा ले। देख रहे हो गाइस कितनी वो है, ये बदतमीज लड़की है। हेल्दी हेल्दी खाना, हेल्दी हेल्दी खाना। अपना फ्रूट चाट लेके। अच्छा ये नीचे थी क्या? मुझे तो नीचे से फोन आ गया कि खाना खाने आ जाओ, इसने तो फ्रूट चाट खा लिया, तो मैं अभी जाती हूँ खाना खाती हूँ। और शाम को ना अभी हमें मार्केट भी जाना है कुछ लेने के लिए, मतलब ऐसे घर का कुछ सामान है, तो अभी अभी तो आलस आ रहा है तो शाम में ही जाएंगे। तू तो बोल रही थी मैं खाऊंगी नहीं, चखरी हुई, एक कटोरी भर के चखना होता है, एक चम्मच होता है चखना। वाह बेटा। तो गाइस अभी मैं लंच करने आ गई हूँ और लंच में है आज पुलाव, सैलेड है। तो गाइस मैं ट्यूशन से तो आ गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं मार्ट, मतलब घर का कुछ ऐसी खाने पीने का लेने के लिए, घर का कुछ सामान। और यहाँ पे अब बब्बू पूछ रहे जब हम जा रहे कि क्या क्या लाना है, पहले नहीं पूछ सकती थी, हम इसको बोल रहे थे पहले पूछ रहे, अब पूछ रहे जाने के टाइम पे। इतना बड़ा स्टोर है पर ये बार बार आके यहाँ खड़ा हो रहा है, तो यहाँ क्यों खड़ा हो रहा है? चल रीजन बता जो मुझे बताया था। कोलगेट बहुत मस्त लगता है। ये बोल रहे हैं मुझे कोलगेट देखना बहुत अच्छा लगता है। हम कोलगेट देखने में इतने व्यस्त हो गए थे तब तक बब्बू नीचे आ गई। इसने तो फुल अपना प्रोटीन ले लिया है। प्रोटीन नहीं है, ओट्स है। एक ही बात है, एक ही बात है। और इन सबको तो देख के आप सोच सकते हो मेरा क्या हाल हो रहा होगा, अभी मुँह पे पानी आ रहा है। मैं तो ये लेने का मन कर रहा है, बाबू से बोलूँगी ये ले ले, जो भी है अच्छी लग रही है मुझे देखने में तो सभी अच्छी। नहीं नहीं सभी अच्छी नहीं लगती ना मुझे, ठीक है ले ले। तो देखिए शख्स को जबरदस्ती सब्सक्राइब करा रही है। अब हमने बिलिंग करा ली है और शॉपिंग हो चुकी है एकदम डन, और अब हम घर जाएंगे और देखेंगे नाटक। तो गाइस शॉपिंग हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं। बाकी हमने तो ये लिया है जो हम उठा सकते हैं, बाकी घर में डिलीवर हो जाएगा। देखो गाइस छुपा रही है जल्दी से, वहाँ से आई और आते ही खाने लग गई। हाँ हाँ बाहर से वो तो मैं काट भी चलाई थी ना, देती क्यों नहीं है? नहीं दिया ना तो मैंने नहीं खाया। कितने बड़े बड़े दिए, नाम कर रखा है पीरू, खाती है खाती है खाती है, हमेशा मुझे खाते हुए दिखाती है। दोनों अपने सटक के बैठ जाते हैं, वो कुछ नहीं। पॉपकॉर्न बना पागल जलाएगी क्या? नहीं बना भाई, तुम बनाओ मैं खाती हूँ। क्यों खाएगी तू? तो खा रही है, बदनाम रखी है। अब हो गई तो खाना ही पड़ेगा। तेरे का पॉपकॉर्न है वो भी देख, तू सुनते को नहीं मिलेगा। पानी पिला यार, पानी पिला। ऋषभ पांडे ने फिर से कमेंट किया बब्बू लुकिंग सो क्यूट। वो तो मैं हुई, लोग सच्चाई बोलते हैं। ऋषभ पांडे ने मेरे लिए भी बहुत बारी कर। ऋषभ पांडे को भाई एक्चुअली नो मैटर वेयर पीरू कपड़े ले लेते हैं, विशाल भी खा लेते हैं, इस कांस्टेंट एंड बब्बू भी लाइक पे कर देते हैं। विशाल भी पीरू अभी आ गई है, बाहर गई थी आज ये है ना। और पीरू हमने तो गाइस को थैंक यू बोल दिया है कि हमारे 15K हो चुके हैं, तो कुछ कहना चाहिए। तो गाइस आपने हमारे 15K करा दिए सब्सक्राइबर, उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और हर चीज के लिए, हर अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मम्मी बना रही है यहाँ पे खाना, अब बिब्बू खा रहा है अपना प्रोटीन वाला लड्डू, और मम्मी कह रही है किचन फैला हुआ है तुम्हें इसी टाइम पे वीडियो बनानी है, तो यार पॉपकॉर्न बना दे यार, 15 के हो गए। खाना सबको है, बनाना किसी को नहीं है। अब मैं बनाऊंगी ना पॉपकॉर्न, देखना सबसे पहले तो पीरू सृष्टि ये सब झपट्टा मारेंगे, पर खाना बना तो अच्छी चीजें खाता हूं। पॉपकॉर्न भी अच्छी चीज होती है भाई, कौन होता है उसमें क्या है। तो गाइस ये हमारे को हमारे पड़ोस की दीदी ने दिया, वो अपने ससुराल से लेकर आई थी बिहार से पटना से, तो ये बहुत टेस्टी होता है। इसका नाम है ठेकुआ, पर ये हमको आता नहीं है बनाना कि ये कैसा होता है, तो हम वेट करते रहते हैं कि उनके घर से कब आए। और जब भी उनके घर से आता है जल्दी से खत्म हो जाता है, और चार आते हैं तो हम दोबारा बोलते हैं यार आंटी थोड़े से बचे हैं। नहीं भाई तब ताई ने बोला था कि अगर अच्छे लगेंगे तो और ले लेना, हमेशा अच्छे लगते, कब नहीं अच्छे लगते हमें, ये पूछने की बात है।
तो ना उनका एक कुकिंग चैनल भी है, मतलब वो जो दीदी है, तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उनको मैं स्पेशली बोलूंगी कि इसकी रेसिपी की वीडियो बनाना अपने चैनल पे, तो आप उनका चैनल भी चेक कर लेना, फिर हम भी बना के खाएंगे ठेकुआ। मुझे ऐसे जो जो सब्सक्राइबर्स है भेज सकते हैं यार, ये तो हम बहुत खाते हैं। हाँ। तो आप भी बता सकते हो कैसे बनाना है, हाँ कमेंट में बता देना। चाचा हमारे 15 के हो गए और मैं एक तो बनाने आई थी, पर चाची का भी होकर नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहोगे गाइस को? थैंक यू गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहे, अपना सपोर्ट करते रहे, और अपने कमेंट के जरिए हमें बताते रहे कि हमारे ब्लॉग्स में आपको क्या क्या कमी लगती है, तो हम उसको आगे और सुधारेंगे। थैंक यू चाची। क्या करूँ, बनाना है मुझे, बनाना है। अरे यार अब खाने का टाइम हो गया, आप क्यों बना रहे हो? कल बना लेना शाम को 5-6 बजे 7 बजे। खाना खाओगे कि इसको खाओगे? नीचे कुकर फ्री नहीं था, तो मैं ऊपर आई थी कि ऊपर बना लूंगी, ऊपर भी कुकर फ्री नहीं है, तो अब कढ़ाई में बनाने का मन नहीं है, और वैसे भी टाइम हो गया है खाने का, तो अब कल बनाएंगे, अभी जाते हैं खाना खाते हैं। लो मैं आ गई पॉपकॉर्न लेके दोबारा से इसी के अंदर। हाँ पकाई नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुकर फ्री नहीं था, अब कल बनाएंगे खाने का टाइम टाइम देखना, 8:30 हो गए, 8:30 हो गए भाई। कुकर फ्री नहीं था, अब तो मन हो गया ना खाने का, टाइम भी हो गया डिनर का, अब डिनर करना। चुप रहो, एक चीज मैं तेरे को बताती हूँ, ऑनलाइन मंगा ले भुखना। चल घर पे खाया नहीं उस दिन तुमने भुखना? खाया, मम्मी ने बनाया नहीं था उस दिन? मम्मी ने कब बनाया? तूने और मैंने खाया था स्पाइसी चावल वाला होता है जो पिसा वाली, पता है जो बुड्ढी नानी भेजती थी चावल कूट के? नानी वो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगी? वो नहीं, जो बूढ़ी नानी नहीं भेजती थी वो नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा कुमाऊं में मिलेगा। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं डिनर, डिनर में है आलू गोभी की सब्जी और रोटी, और पीरू खा चुकी है, मैं तो पहले ही खा गई थी पर मैं बताना भूल गई थी। तो हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं, और काफी लोग में कमेंट कर रहे थे, पीरू की इंस्टा आईडी क्या है ना पीरू, तो बता दे सबको कि क्या है इंस्टा आईडी। प्रिया धापा, बिना स्पेस के लिखना, और उसमें तमिल में लिखा हुआ आएगा वो है मेरी। हाँ वो रियल है, बाकी काफी सारे फेक बने हुए हैं, तो वो मतलब आप लोग नहीं करना उस पे टैग वैग। और हमारा एक इंस्टा हैंडल है जो धापा सिस्टर्स व्लॉग के नाम से, उसको भी आप लोग क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। हाँ मैं कह रही सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, और प्रिया धापा जिसमें तमिल में लिखा हुआ है वो प्रिया उसको, हाँ विदाउट स्पेस, तो आप उस अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी अभी हम इस व्लॉग को एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट। लाइक कर देना ब्लॉग को, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।